हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ए नोट्स। तो हम यूनिट 5 पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसका नाम है बाउंड्री लेयर फ्लो। तो पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक्चुअली बाउंड्री लेयर फ्लो होता क्या है, बाउंड्री लेयर क्या होता है, कैसे काम करता है। नाउ नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो बाउंड्री लेयर फ्लो क्या होता है, अगर हम इसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं, मैग्नेट का एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा मैग्नेट हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेट हो गया। और आप जानते हो कि हमारा जो मैग्नेट होता है, छोटा मैग्नेट हो चाहे बड़ा मैग्नेट हो, उसके कुछ रेंज तक हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होता है जहाँ तक, जहाँ पे अगर आप कोई मेटल लाओगे पास में, तो हमारा अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा मैग्नेट से। अदरवाइज और जो ये ले ये बाउंड्री जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, जो ये बाउंड्री है, इसके पार अगर आप कोई मेटल रखते हो तो अट्रैक्शन नहीं होता है। इसका कोई इसका एनर्जी है जो कि इसी बाउंड्री के अंदर तक काम करता है, ये मैग्नेट का, ठीक है। इस बाउंड्री के अंदर जब आप कोई मेटल लाओगे या इसकी बाउंड्री में कोई मेटल लाओगे, तब अट्रैक्शन स्टार्ट होना चालू होगा। सेम टू सेम हमारा बाउंड्री जो लिक्विड का फ्लो होता है किसी सॉलिड बॉडी पे, तो जो लेयर उसका भी जो लेयर बनता है, डेट इज बाउंड्री लेयर। फॉर एग्जाम्पल हम तो यहाँ मैग्नेट की बात कर रहे थे, ठीक है। अगर कोई हमारा सॉलिड बॉडी हो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई सॉलिड बॉडी हो गया, थोड़े कर्व में मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा कोई सॉलिड बॉडी हो गया, ठीक है, ये सॉलिड बॉडी हो गया। और हम मान लेते हैं कि आप अभी इसे समझो कि ये हमारा लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये हमारा लिक्विड फ्लो नॉर्मली फ्लो हो रहा है विथ वेलोसिटी यू, ठीक है, जिसे हम फ्री स्टीम वेलोसिटी भी बोलते हैं। फ्री स्टीम वेलोसिटी मतलब अभी कहीं भी किसी के टच में नहीं है, फ्री मूव हो रहा है, इट इज़ फ्री। यू इज़ द फ्री स्टीम वेलोसिटी, ओके। जब हमारा ये लिक्विड, जब ये हमारा लिक्विड हमारे किसी भी सॉलिड बॉडी से, सॉलिड बॉडी से हमारा टच होगा, फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े पाइप्स में जब हमारा फ्लूइड फ्लो होता है पाइप के थ्रू, तो वो पाइप के सरफेस पे टच होता है, तो वो हमारा सॉलिड बॉडी, हम उसे बोल रहे हैं। टेबल पे पानी डाल रहे हो तो टेबल हमारा सॉलिड बॉडी हो गया, ठीक है। तो जब ये फ्लूइड हमारा ये सॉलिड बॉडी से टच करेगा, तब हमारा एक बाउंड्री बनता है। वो जो बाउंड्री है वो हमें बता, ये सॉलिड का, सॉलिड पार्ट्स का बाउंड्री लेयर है, जहाँ पे जो हमारा ये लिक्विड फ्लो है वहाँ उस फिनोमिनन उसका थोड़ा चेंज हो जाता है। बट उस फ्लो, उस लेयर के बाहर वो वापस जैसा पहले होता है वैसा ही वेलोसिटी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा फ्लूइड है, ये फ्लो हो रहा है, ये फ्लूइड फ्लो जब इस हमारे सॉलिड से होगा, जब ये हमारे सॉलिड बॉडी से फ्लो होगा, तो मान लो, ठीक है, ये कुछ ऐसे हम ये एक लेयर बना रहे हैं, ठीक है, ग्राफ के लिए कुछ ऐसा फ्लो होगा। यहाँ पे हमारा थोड़ा कम होगा वेलोसिटी, ना थोड़ा उससे ज़्यादा वेलोसिटी, ना थोड़ा उससे ज़्यादा वेलोसिटी, देन कांस्टेंट सेम, ठीक है। तो इस सॉलिड बॉडी का हमारा, मान लो ये बाउंड्री लेयर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉलिड बॉडी, ओके। तो ये जो बाउंड्री लेयर हमारा, जो लिक्विड हमारे जब सॉलिड बॉडी से टच करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट एक्ट करेगा। ड्यू टू दिस वहाँ पे शियर स्ट्रेस भी डेवलप होगा। तो शियर स्ट्रेस जो है, शियर स्ट्रेस जो हमारा है, जो एक लेयर हमारा फ्लूइड का जो लेयर से उस पर बनेगा, तो हमारा जो सब वेलोसिटी हमारा एट पॉइंट सॉलिड पे जहाँ टच हुआ है, वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा, दैट इज जीरो। देन उसके ऊपर का जो लेयर होगा उसकी वेलोसिटी थोड़ा सा उससे लैप्स करेगी, उससे आगे जाएगी, उसके ऊपर वाली लेयर जो है उससे थोड़ी आगे जाएगी, बट उनके अंदर क्या है, स्ट्रेस डेवलप रहेगा ड्यू टू वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू अपॉन डी वाई, वेयर डी यू इज द वेलोसिटी एंड डी वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सॉलिड टू द अप, ओके। तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारा जो बाउंड्री लेयर एंड हो जाता है, इस सॉलिड की बाउंड्री लेयर यहीं तक है, एंड होता है, वहाँ से हमारा जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है वो वापस अपना पहले जैसे हो जाएगा, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है।
और हम जानते हैं कि हमारा जो बॉडी सॉलिड बॉडी जो सरफेस रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस होने के कारण जैसे फ्लूइड हमारा सॉलिड बॉडी जो रफ सरफेस से टच होगा तो क्या होगा, उस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारा जीरो हो जाएगा, और जो वो पहला लेयर जो टच होगा उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, देन उसके ऊपर वाला लेयर की वेलोसिटी थोड़ी सी होगी, उसके ऊपर का थोड़ा ज़्यादा होगा, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर एट अ पॉइंट वेयर बाउंड्री एयर एंड देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विल बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे जीरो फिर यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ा बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है ड्यू टू शियर स्ट्रेस। जैसे आपका लिक्विड हमारे इसे सॉलिड बॉडी से टकराएगा तो वहाँ पे शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, तो वो पहले लिक्विड के जो पहले लेयर पे हमारा सॉलिड शियर स्ट्रेस डेवलप ना, पहले पहले लेयर लिक्विड के और दूसरे लेयर लेयर ऑफ लिक्विड का उनके बीच में शियर स्ट्रेस ना, दूसरे लेयर और तीसरे लेयर के बीच में शियर स्ट्रेस, ऐसा डेवलप होते होते एक टाइम आएगा जहाँ पे एनर्जी उसकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, शियर स्ट्रेस जो पावर ड्यू टू सॉलिड बॉडी वो ख़त्म हो जाएगा और फिर वो हमारा हमारा जो लिक्विड है वो कॉन्स्टेंट स्पीड में फ्लो होगा। दैट इज माई बाउंड्री लेयर। ओके, इसे डिफाइन करें। सो व्हेन अ रियल फ्लूइड फ्लोज पास्ट अ सॉलिड बॉडी, हमारा जो फ्लूइड है जब हमारे सॉलिड बॉडी से पास होता है या फिर सॉलिड वॉल से पास होता है, द फ्लूइड पार्टिकल एडहेर टू द बाउंड्री। एडहेसिव पावर, हम जानते हैं एडहेसिव और कोहेसिव, आप जानते होंगे फोर्स क्या होता है। कोहेसिव फोर्स मीन्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर जो फोर्स लगता है डेट इज़ कोहेसिव फोर्स, बट अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है डेट इज़ एडहेसिव फोर्स। तो यहाँ हमारा फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स और सॉलिड का मॉलिक्यूल्स दोनों अलग हैं, तो उन दोनों के बीच में हमारा क्या एडहेसिव फोर्स लगेगा। तो जो हमारा फ्लूइड पार्टिकल एडहेयर टू द बाउंड्री ऑफ सॉलिड बॉडी एंड कंडीशन ऑफ नो स्लिप अकर्स, ओके, ड्यू टू रफ सरफेस। दिस मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड क्लोज टू द बाउंड्री विल बी सेम एज दैट ऑफ द बाउंड्री। जो हमारा बाउंड्री सॉलिड बॉडी का जो वेलोसिटी होगा और जो फ्लूइड का जो हमारा सबसे कम फ्लूइड का मीन्स फर्स्ट लेयर जो टच है उसकी वेलोसिटी सेम होगी एज द वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड बॉडी और द बाउंड्री ऑफ द बॉडी। ओके, इफ द बाउंड्री इज स्टेशनरी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द बाउंड्री विल बी जीरो। अगर हमारा जो सॉलिड बॉडी का है अगर वो स्टेशनरी है देन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द बाउंड्री मीन्स ये पॉइंट विल बी जीरो। ओके, नाउ द वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू अपॉन डी वाई विल बी एग्जिस्ट एट दैट प्लेस। ओके, तो हम इसे लिख लें, देयरफॉर द वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू अपॉन डी वाई विल बी एग्जिस्ट। डी यू अपॉन डी वाई क्या है, डी यू हमारा वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड एंड डी वाई डिस्टेंस पे। डी वाई मैंने इसलिए लिखा अगर मैं यू बाई वाई लिख दूं तो वेलोसिटी अपॉन वाई लिख दी तो एक किसी एक पॉइंट के लिए बता देगा। डी यू अपॉन डी वाई इसका मीन्स अब आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट इसका हाइट वाई वन हो गया, यहाँ से इसका हाइट वाई टू, यहाँ से इसका हाइट वाई थ्री, यहाँ से इसका हाइट वाई थ्री, तो हमने इसे डिफरेंशियल टाइप का ले लिया। ठीक है, डी यू अपॉन डी वाई पे आप कोई भी पॉइंट इसका मतलब ले सकते हो, वहाँ पे किसी पॉइंट पे हमारा जो वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा दैट इज डी यू अपॉन डी वाई। ओके, ड्यू टू दिस शियर स्ट्रेस विल बी डेवलप। ओके, देन शियर स्ट्रेस विल बी डेवलप बिटवीन द लिक्विड फ्लूइड मॉलिक्यूल्स और द सॉलिड बॉडी, देन द शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू विस्कोसिटी म्यू इनटू डी यू अपॉन डी वाई। ओके, ये हमारा क्या हो गया, शियर स्ट्रेस ऐसा डेवलप होता है। ठीक है, अब मान लो जो यू है हमारा, यू क्या है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, जब हमारा किसी बॉडी से परपेंडिकुलर नॉर्मल नॉर्मल टू द बॉडी और परपेंडिकुलर टू द बॉडी जब एक्ट हो रहा है बॉडी पे हमारा वेलोसिटी, जब हमारा लिक्विड टच करेगा, तब अकॉर्डिंग टू बाउंड्री लेयर थ्योरी द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन द नाइबरहुड ऑफ द सॉलिड बाउंड्री मे बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। दो टाइप का हमारा थ्योरी बनता है अकॉर्डिंग टू बाउंड्री लेयर, जब हमारा फ्लूइड नॉर्मल टू द सॉलिड सरफेस से टच होता है तब। पहला जो हमारा थ्योरी बनता है क्या, ये हमारा बाउंड्री लेयर के अंदर की बात करता है, और दूसरा थ्योरी जो बनता है बाउंड्री लेयर की बाहर की बात करता है। ठीक है, हम जानते बाउंड्री लेयर के अंदर क्या अफेक्ट हो रहा है,
बाउंड्री लेयर के अंदर ही तो जो हो रहा है फ्लूइड के साथ वो हो रहा है। फ्लूइड की वेलोसिटी पहले यू थी ना, उस फिर यहाँ वेलोसिटी कम हो गई, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट एक्ट हो रहा है, यहाँ पे ड्यू टू एडहेर नेचर ऑफ फ्लूइड यहाँ पे हमारा शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो यह सब डेवलप हो रहा है हमारा बाउंड्री के अंदर, ठीक है। लेकिन बाउंड्री के बाहर क्या हो रहा है, बाउंड्री के बाहर हमारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विल बी इक्वल टू द फ्री फ्री वेलोसिटी, ठीक है। जो हमारा पहले वेलोसिटी था इसके ऊपर वो वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा क्या कांस्टेंट होता है, देयर फॉर शियर स्ट्रेस विल बी जीरो। ओके, उनके बीच में कोई शियर नहीं होता है, होता है ऐसी बात नहीं है, शियर होते हैं फ्लूइड के लेयर्स में, बट अकॉर्डिंग टू बाउंड्री लेयर थ्योरी वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा ऊपर कांस्टेंट हो जा रहा है, देयर फॉर हम बोल रहे हैं वहाँ पे शियर स्ट्रेस बहुत मिनिमम रह रहा है, इसलिए हम यहाँ पे शियर स्ट्रेस को जीरो मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ये शियर स्ट्रेस यहाँ पे जीरो हम इसलिए बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ शियर स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड है वो हमारे बॉडी से बॉडी कॉन्टेक्ट में आ रहा है, ठीक है। शियर स्ट्रेस ज़्यादा है और यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट भी चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, बट एट पॉइंट दिस बाउंड्री लेयर के ऊपर का वेलोसिटी ग्रेडियंट हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, देयर फॉर हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे शियर स्ट्रेस विल बी जीरो। ये दो थ्योरी हमारा ऐसे बनता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और बाउंड्री लेयर फ्लो आपको जो भी इसमें डाउट्स होंगे अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ओके, थैंक यू।